हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं मटर का छोला और आलू टिक्की का चाट बनाने। फ्रेंड्स, हम आधा किलो जो है मटर को भिगो के रखे थे करीब 3 घंटे तक, अब उसे हम बॉईल करने के लिए चल रहे हैं। अब उसे हम कुकर में रखेंगे, डालेंगे, उसके बाद हम बॉईल करेंगे। डाल देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे आधा टीस्पून, नमक डालेंगे फ्रेंड्स आधा टीस्पून। नमक आप स्वाद अनुसार अपने अनुसार डाल सकते हैं। और हम तेल को डालेंगे ताकि हमारी मटर जल्दी से कुक हो जाए। तेल डालने से जल्दी मटर कुक हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हम पानी डालेंगे। हमें फ्रेंड्स इतना पानी डाल देना है ताकि हमारी मटर पक जाए अच्छी तरीके से। अब हम बंद करके हमें 5-6 सीटी 6-7 सीटी तक लगा लेना है फ्रेंड्स। हम गैस पे रख देंगे। बनाने के लिए आधा केजी हमने आलू लिया है। आलू को हमने बॉईल कर लिया है। अब इसे हम जो है बाउल में डाल रहे हैं। इसे हम मैश कर लेंगे फ्रेंड्स। इसे हमें एकदम मैश कर लेना है बारीक जो है। आलू की टिक्की फ्रेंड्स जो बनाते हैं, बनाने के लिए हम जो है आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम आरा रोट को डालेंगे। हम करीब 3 चम्मच आरा रोट डालेंगे। 3 चम्मच हमारा रोट को डाल ले रहे हैं फ्रेंड्स। सूजी को डालेंगे। 2 चम्मच हम सूजी डाल रहे हैं। सूजी डालने से फ्रेंड्स हमारी जो है टिक्की बहुत एकदम क्रिस्पी बनेगी और करारी होगी जो है। हम लाल चिल्ली फ्लेक्स को डाल दे रहे हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स। नमक डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स स्वादानुसार। काला नमक डाल दे रहे हैं। सफेद नमक हमने डाला है फ्रेंड्स, काला नमक भी हम डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स। और हम हरी धनिया को डाल दे रहे हैं। अब हम सारा जो है अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे फ्रेंड्स। हमें इस तरीके फ्रेंड्स अच्छी तरीके से मिला लेना है, एक डो बना लेना है अच्छी तरीके से टिक्की बनाने के लिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम आलू को जो है पूरा मिला लिए हैं अच्छी तरीके से, एक डो बना लिए हैं। हाथ में जो है हम ऑयल को लगा लेंगे। अब हम टिक्की को जो है फ्रेंड्स बनाएंगे। गोले शेप में हमें बना लेना है फ्रेंड्स। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें। हम बहुत बड़ी नहीं बना रहे फ्रेंड्स, छोटी छोटी टिक्की बना रहे हैं। आप सब देख सकते हैं इस तरीके की टिक्की हमने बनाया है फ्रेंड्स। इसी तरीके हमें सारे बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके हमने बनाए हैं। इसी तरीके हम सारे बना ले रहे हैं, फिर हम आप सबको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू टिक्की हमारी बन गई है। हम पूरा भी नहीं बनाए हैं, हम इतना बना के आप सबको दिखा रहे हैं। हमने गैस पे तवा को रख दिया है। हम इसे जो है सेलो फ्राई करेंगे। तेल डाल दिया है हमने। अब हम एक एक टिक्की करके हम इसे रखेंगे तवे पर। इस तरीके हम फ्रेंड्स रखेंगे। एक एक करके हम इसे फ्राई कर ले रहे हैं। आप सब देख सकते हैं हमारी टिक्की जो है पक रही है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू की टिक्की एक तरफ ब्राउन हो गई है, सिक गई है। इसे हम जो है पलट देंगे। आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स। इसी तरीके हमें सारे पलट लेना है फ्रेंड्स। इसी तरीके हम सारे पलट ले रहे हैं फ्रेंड्स। अभी साइड में भी हमें ब्राउन कर लेना है फ्रेंड्स। आप सब देख सकते हैं टिक्की हमारी कितनी अच्छी देखने में लग रही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आलू की टिक्की हमारी दोनों तरफ से सिक गई है। अब इसे हम जो है निकाल ले रहे हैं फ्रेंड्स एक प्लेट में। एकदम बन चुकी है जो है, इसे हम निकाल ले रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सारे निकाल लिए हैं। अब हम जो है जो बची टिक्की हमारी थी उसे भी हम बना लिए हैं। उसे भी हमें सेलो फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स।
इस तरीके हम जो है इसे भी सेलो फ्राई कर ले रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेलो फ्राई कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आलू की टिक्की हमारी बन गई है, हम सारे बना लिए हैं। आप सब देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी कुरकुरी बनी है। ये देखिए आप सब, आवाज आ रही है इसमें, कितनी अच्छी बनी है टिक्की, इस तरीके बनी है। अब हम चल रहे हैं जो है, फ्रेंड्स हम कढ़ाई जो है रख दिए हैं गैस पे। अब हम जो है जो छोला बनाने के लिए बटर उबाले थे उसे हम जो है फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। हम तेल डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है। मटर को फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स सब पहले जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हमें जीरा डाल लेना है फ्रेंड्स। अब हम प्याज को डाल देंगे, जीरा हमारा तड़क रहा है, हम प्याज को डाल देंगे। ये हमने प्याज जो है बारीक काट के रखी है, और ये हरी मिर्च हमने लिया है। आप अपने अनुसार मिर्च डाल सकते हैं फ्रेंड्स, जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और हम अदरक को डाल देंगे, और इसे हम जो है भूनेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है हल्की। अब हम जो है हल्का सा हल्दी डाल देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने पहले मटर में हल्दी डाली थी उबालते समय जो है, इसलिए हम ज़्यादा हल्दी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। और हमें जो है गरम मसाला डाल देना है फ्रेंड्स। गरम मसाला डाल दे रहे हैं, करीब 1.5 स्पून तक गरम मसाला डाल दिए फ्रेंड्स। और हमें जो है लाल मिर्च पाउडर डाल देना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है। डाल दिए फ्रेंड्स, अब इसे हम भून लेंगे मसाले को फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो मटर हम बॉल के रखे थे उसे हम निकाले हैं फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं। अब हम जो है इसे फ्राई करेंगे चाट में टिक्की में डालने के लिए फ्रेंड्स। डालने से टिक्की जो है ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे जो है फ्राई कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसे हम फ्रेंड्स मिलाएंगे अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं फ्रेंड आप सब, इसमें अच्छी तरीके से मिला रहे हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, मसाले को हम अच्छी तरीके से मिला लिए हैं मटर में। अब जो है गरम पानी हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स, हमने बॉयल करके पानी रखा था। आप ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिए, गरम पानी डालने से जो है ये बहुत जल्दी बन जाएगा जो है फ्रेंड्स। हमें बहुत ज़्यादा पानी फ्रेंड्स नहीं डालना है। ये देखिए हम सब इतना पानी जो है भगोना में रखे थे जो है बॉयल करने के लिए, गर्म पानी हम इसमें यूज कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इतना पानी डाले हैं। अब इसे हम जो है पका लेंगे फ्रेंड्स मटर को, थोड़ा सा 5-10 मिनट तक पकाना है फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। नमक हमने इसमें पहले से डाला है फ्रेंड्स, नमक इसमें हमने पहले से भी डाला था फ्रेंड्स, इसलिए हम जो है, और टिक्की में भी नमक हमने डाला है, इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। हम थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं फ्रेंड्स। इसे हमें 10 मिनट तक फ्रेंड्स पका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मटर का जो चाट हमने बनाया था वही हमारा इस तरीके से पक गया है अच्छी तरीके से। हम जो चल रहे हैं इसे सर्व करने फ्रेंड्स, आप सबको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है कटोरे में आप सबको सर्व करके दिखाएंगे। देखिए हमारी टिक्की कितनी अच्छी बनी है, इसमें हम जो है डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके हम इसे डाल दे रहे हैं। अब जो है हम मटर को डालेंगे फ्रेंड्स इसमें, इस तरीके हमें मटर डाल लेना है फ्रेंड्स। अब हम इसमें प्याज डालेंगे फ्रेंड्स, मूली को डालेंगे फ्रेंड्स, हरी धनिया डालेंगे, हरी मिर्च अगर आप खाते हो तो हरी मिर्च को डाल लीजिएगा, हम नहीं डाल रहे हैं। नमकीन डालेंगे फ्रेंड्स, सेव हमारी जो है बेसन वाली सेव है जो है उसे हम डाल ले रहे हैं। अब हम जो है मीठी चटनी को डालेंगे फ्रेंड्स इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स मीठी चटनी को हम डाल ले रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम दही डालेंगे फ्रेंड्स,
ये फ्रेंड आप सब देख सकते हैं, हमने सर्व कर दिया है। आप सब देख सकते हैं इस तरीके हमारा जो है चाट बना है। आप सब जो है, बारिश का इस समय मौसम चल रहा है फ्रेंड, आप सब जब भी खाने का मन करे आप सब इस तरीके से चाट को बना सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारी इस रेसिपी अगर अच्छी आप सबको लगती है तो इसे लाइक करिएगा फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स।